इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री खड़गे साहब जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। लड्डू बड़ा शुरू करा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, कुलभूषण साहब जिंदाबाद। पहले रात है पड़ा था ना, चलो बेटू कमाईल नौ बच्चे राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, रमन भल्ला जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। साड़ी जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, ब्लाक कमेटी कांग्रेस की, अज इत ही खुशी का इजहार जरा करा करने, वो कह करा करने कि साढ़े राहुल गांधी जी जेडे साढ़े प्राइम मिनिस्टर दावेदार ने कांग्रेस पार्टी का, अज हिंदुस्तान बच्चा बच्चा जरा आखा था कि राहुल गांधी जे प्रधानमंत्री दावेदार ने और बड़े वो गरीबें के मसीहा ने, उनके पर जरा इन्हें एलीगेशन लाया था झूठा कि इन्हें विदेश जाइए तो क्या इंडिया की क्या इन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ गल्ला कीतियां ने, साड़ी उदी बेइज्जती हुंदी है, जे है वो है, उदे कोला ज्यादा प्रधानमंत्री ने कीती दी ने। मैं एक वीडियो सुनिया प्रधानमंत्री साहब ने उत्थे बोलेदा कि मैं बहुत माड़े कर्म कीते जिहड़ा ऐसे हिंदुस्तान में जन्म लिया, इससे ज़्यादा इहदे कोला ज़्यादा तो प्रधान राहुल गांधी ने कोई गल नहीं बोली दी है। उन्हें इहे गल बोली दी ही कि साढ़े हिंदुस्तान च डेमोक्रेसी जी खत्म हो गई, यही बोले तो ये कोई एड्डी वड्डी गल तो है ही नहीं कि उन्हें उनकी सदस्यता कैंसल की जा, रद्द की जा, उनका जरा घर सीना लिता जा। मगर मैं उस जज का, उस कोर्ट का मैं धन्यवाद करना और मैं उनका शुक्रिया करना जिन्हें सही इंसाफ का फैसला किया, राहुल गांधी साहब की सदस्यता जी बहाल की है और जो उनके पर केस किए वो भी कैंसल किया, स्टे होया, तो उनका मैं धन्यवाद करना। और मैं एक गल और आखना चाहना, ये जी सरकार आखदी है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये सिर्फ आखने की गल है मगर इनकी गल करने अमल च नहीं आती है, कथनी और करनी च बड़ा फर्क है इन्हें च। अब बेटियों की जी हालत हुई मणिपुर च, मैं तो कल भी बोलिया कि मुगलों ने इतना जुल्म किया साढ़े हिंदुस्तान हिंदुओं पर, अंग्रेजा इन्ना किया, मगर जो इन्हें किया अज जो बीजेपी सरकार ने साड़ी बहु बेटियों के किया जरा वो मुगलों भी इन्ना जुल्म नहीं किया, ये बहुत ताना शाह और बड़ी 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 मतलब कि डिक्टेटर सरकार है, यदि असं बद कोला बद निंदा करने और इन विरोध करने और विरोध करते रहोगे और आने वाले जोड़े साढ़े कांग्रेस के जोड़े नेता जोड़े ने वो बिल्कुल डटिए इनका विरोध करे और इसी नंगा करे इस पार्टी की, जिन्हें गरीब अमीर छोटा तबका जो बर्बाद करीता, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचारी, अज देखो जोड़े पुलें के काम होते हैं, अज 70 साल हो कांग्रेस का राज जो रहा साढ़े क्या जे एंड के और भी पार्टियों का रहा, कभी रास्ता साड़ा बंद नहीं हो जरा, अज सा हाईवे रोड बंद है क्या कि शर्म वाली गल है, और टोल जरा टैक्स पर टैक्स ले जा करते मगर पुल का साधन रस्ते का साधन कोई नहीं है। इस वास्ते अं किट्ठे होने इतने कि राहुल गांधी जे सा अब उनकी सदस्या जी हुई है बहाल हुई है, उस खुशी किट्ठे होने जय हिंद। आज हमारे इस शुभ अवसर पर श्री राहुल गांधी जी की जो सदस्यता चली गई थी, इन बेईमान लोगों ने छीन ली थी, आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया है, उस खुशी में आज हम हमारे जो कार्यकर्ता नगरी के हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल से कार्यकर्ता हैं आज इकट्ठे हुए हैं और उसकी खुशी में खुशी मना रहे हैं। जैसे आपने देखा कि पार्लियामेंट हाउस जो एक पार्लियामेंट हाउस जो संसद है, एक पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक सेटअप का मंदिर है,
उस मंदिर में पूरे देश की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो, वहाँ पर किया जाता है। और जो विभिन्न विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसियों से नुमाइंदे आए हुए होते हैं वो अपने अपने इलाके के मसले प्रॉब्लम्स बताते हैं। मगर जैस ऐसी सरकार बेईमान सरकार है कि किसी भी मसाइल का जवाब, किसी भी मसले का जवाब पार्लियामेंट हाउस में देने को तैयार नहीं है। वो चाहे अडानी अवानी का मसला हो, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो पहलवानों की बात हो, जो हमारे नेशनल पहलवान थे उनकी समस्या का हल करना था, तब भी ये मौन धारण करके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला था। दी जाती है लोअर कोर्ट से और उनको उनकी सदस्यता जो है वो भी छीन ली जाती है, और तो और 24 घंटे के भीतर भीतर उनके रहने का निवास भी छीन लिया जाता है, जो कि एक निंदनीय काम था। आज तक कई ऐसे लीडरान हैं जो ना तो अब MP रहे हैं ना कोई मिनिस्टर है, उनके पास उनका रहने का जो रिहाइश है वो नहीं छीनी अभी तक। आपने देखा होगा श्री गुलाम नबी आज़ाद जी का अभी भी दोहरा रिहाइश है, दिल्ली में भी है, इधर भी है। मुरली मनोहर जोशी जी हैं, आडवाणी जी हैं, उनके रिहाइश या उनके जो भत्ते वगैरह है वो चलते रहते हैं, उनका किसी का भी घर नहीं छीना। लेकिन मात्र राहुल गांधी जी को एक मतलब विशेष तरीके से उसको एक परेशान करने के लिए कि ताकि जे डर जाए, लेकिन वो डरने वाले शख्स नहीं है, वो देश के बेटे हैं, देश की एक परिवार ने उनके 3 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं, देश को एक रोशनी दी है। उन्होंने आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनवाया है वो सराहनीय है, सराहनीय मतलब खुशी देने वाला एक निर्णय आया है। तो आज जैसे उनकी सदस्यता बहाल हुई है, उसी कड़ी के भीतर हमारे जितने भी कांग्रेसी साथी हैं इकट्ठे हुए हैं और आज खुशी का वो मना रहे हैं। यही बात कहते हुए मैं आभारी हूँ, जय हिंद जय भारत। नहीं होती कोई भी कुछ नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी जी जो मोदी जी के खिलाफ कोई टिप्पणी की थी कि मोदी अज जड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अस उस फैसले का शुक्रिया अदा करने, धन्यवाद करते हैं। जड़ा राहुल गांधी के उपर जे झूठे इल्जाम लगाए दे अज सारे क्लीयर हो गए समझ लो, तो अस सारे किट्ठे हुई अज इ खुशी मना करने कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता है बिल्कुल राहुल गांधी का हक जीता है और सच्चाई की जित हुई है। आखिर जड़ा आखिर राहुल गांधी ने जेड़े सच्चे अपने सच्चाई उपर चलने वाला बंदा हा उसी इन्हें गुमराह करिया और गलत फैसला दिता या गल जो भी काम इन्हें बारे में गलती किया जो भी किया अज सारे किट्ठे हुई है इसकी खुशी मना करने हैं। तो सारे कांग्रसी अस इे बधाई दें कि जोड़ा भी काम होया ठीक होया, अगर सारे कांग्रसी किट्ठे हुई काम करके सारा जो भी है जय हिंद जय भारत। अज इत ब्लाक ब्लाक कमेटी कांग्रेस कमेटी सारे लोग इतने कट्ठे हुए हैं, जिया कि मेरे दोस्तें पहले भी आख्या भाई जोड़ा अज फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है ये एक बड़ा अच्छा फैसला है और कांग्रेस हक का फैसला है। राहुल गांधी की ये जीत हुई है, उनकी सदस्यता बहाल हुई है, उसकी उस इस वास्ते अस सारे जने इतने कांग्रेस इकट्ठे हुए हैं और सारे लोगों का मूँह मिठा किया है, असें भी मूँह मिठा किया है। इसलिए इस वास्ते अस आने वाले टाइम च जेडे कि 2024 का इलेक्शन है राहुल गांधी उत्थे प्राइम मिनिस्टर होंगे। जय हिंद जय भारत। आज हम सारे अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र जी और सीनियर लीडर हमारे कुलभूषण जी, महेंद्र शर्मा जी, तृप शर्मा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजर सतीश शर्मा जी, तरसेम पाल सैनी जी सीनियर लीडर हैं हमारे और म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन भी रहे हमारे, और हमारे सैनी साहब हैं हमारे जिनकी बाकी सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज हम खुशी मना रहे हैं जो राहुल जी के हक में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि सत्य की ही जीत होगी। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, उन्होंने एक लोकतांत्रिक तरीके से ही इनसे सवाल पूछा था। आज ये डिक्टेटरशिप इन्होंने यहाँ पर चलाई हुई है, पर सत्य ही जीतता है और सत्य ही जीता रहेगा, क्योंकि राहुल जी सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। इनकी सियासत की जो ज़मीन है वो हिल चुकी थी जब उन्होंने 12 जोड़ो यात्रा चलाई, इन्होंने कोई ना कोई हथकंडा अपनाया कि कैसे इस इंसान को रोका जाए जो एक गरीब मजदूर ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर
जो उनकी समस्याएं सुन रहा है इनको पता था कि इस लीडर को कैसे रोका जाए, तभी उन्होंने कोई भी हथकंडे अपनाकर उन पे कोई झूठे एलिगेशन लगाकर कि मोदी मोदी ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, एक सवाल पूछा था लोकतंत्र में, और लोकतंत्र देश में सवाल पूछे जाएंगे और सत्य ही जीता रहेगा। और अपील करते हैं लोगों से कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश को चला सकती है, आकर जुड़ें और आने वाला टाइम हमारा कांग्रेस पार्टी का है, वही इस देश को संभालेंगे। आज देखो कहीं पर पुल टूट रहे हैं, कहीं पर मणिपुर जैसे कोई घटनाएं हो रही हैं, और अपील करूंगा सबसे सारे जन मिलकर कांग्रेस पार्टी को लाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।